अभी 439 पॉइंट है, भाड़े करार सुधारणा किंवा कायदे संबंधी टीका। मतलब अभी ये जो हमने एक्ट देखा है तो हर एक एक्ट में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए जाते हैं ताकि लोगों को आसानी हो, उनके ऊपर जो अन्याय होता है वो दूर हो सके। इसके लिए अलग अलग तो कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कोई कानून बनाओ लेकिन कुछ भी करो लेकिन उसमें कुछ कमियां रहती है हमेशा ही। तो उसके बाद उसके ऊपर जो जो क्रिटिसिज्म हो जाता है वो क्या होता है, वो क्या होता है कमियां होने के कारण उसके ऊपर टीका की जाती है, इसमें ये कमियां है वो कमियां है, इसकी वजह से ये जो एक्ट है ये सफल नहीं हो पाया। तो अभी ये क्या है, वो क्या उसके ऊपर क्या कमियां है, तो वो कौन सी है और क्यों हो गई, वो हम देखने वाले हैं। देखो तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 68 है। तो इसमें जो भाड़ेकरु है मतलब जो दूसरों के जमीन में किसान काम कर रहा है कुछ साल के लिए या महीने के लिए, तो वो खुद की जमीन नहीं है, इसके लिए उसे क्या कहा जाता है, तो दूसरों के काम करने वाला मजदूर नहीं कहेंगे लेकिन भाड़ेकरु बोल सकते हैं उसे। तो ऐसे लोगों को काम करते समय किस तरीके से बेदखल कर दिया या उसमें कुछ कमियां रह गई इस कायदे में, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहला उन्होंने बोला है शेयर क्रॉप्स जो है उसमें जो भाड़ेकरु है उनको मान लीजिए अपने, मतलब उसमें उनको लैंड होल्डर नहीं बताया जाएगा जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं। मतलब क्या मराठी में उसे क्या बोले, सामुदायिक खेती या फिर पिक सामयिक तरीके से, मतलब एक की किसी की जमींदार की खेती है उसमें तीन चार लोग मिलजुल के कर रहे हैं। मतलब देखो 50 एकड़ जमीन है उसमें 10 10 एकड़ अलग अलग 5 लोग कर रहे हैं, वो क्या करे अपने हिसाब से करे, लेकिन उसमें से 4 5 लोग क्या करे 4 5 एकड़ की जमीन एक साथ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे मिलजुल के कर रहे हैं। मतलब वो 10 लोग 5 लोग खुद की कर रहे हैं वो अलग, वो खुद के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वही जमीन मिलजुल के कर रहे हैं सबका, अगर ये होता है आपस में उन्होंने क्या मिलजुल के करने का डिसाइड किया है, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग रहती है उसमें कैसे रहते हैं लोग, किसी और की जमीन लेते हैं भाड़े पे लेते हैं लीज पे लेते हैं 10 साल के लिए 15 साल के लिए 5 साल के लिए और मिलजुल के खेती करते हैं, उसी टाइप की अगर ये लोग करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो शेयर क्रॉप करते हैं तो उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। मतलब वो वहां के जैसे क्या बोला था पहले कि जो जमीन कर रहा है अगर वो दूसरों की भी है लेकिन अगर मैं किसी की जमीन कर रही हूँ और खेती कर रही हूँ किसी और की, तो वो मेरे नाम पे हो जाएगी, लेकिन इस कायदे में ऐसे जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं मतलब मिलजुल के खेती करते हैं तो उनको इसमें क्या दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया, मतलब उनके नाम पे ये जमीन नहीं हो पाएगी। मतलब क्या कि ये लोगों के लिए कायदा बनाया गया है लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनको क्या इस तरीके से जो खेती कर रहे हैं उनके नाम पे नहीं हो सकती। मतलब क्या हो गया है उनके ऊपर, ये इस तरह का अन्याय हो गया है, तो वो कहाँ जाएंगे ना, वो भी तो खेती कर रहे हैं, उन्होंने तो वहां फैक्ट्री तो नहीं डाली है, तो ऐसा करने के बावजूद भी उनको ये क्या किया गया है, उनको ये जो शेयर क्रॉप है उनको वहां के मालिक ना नहीं मतलब जमीन के मालिक नहीं मान लिए जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है वहां जो किसान काम करते हैं उनको वहां से बेदखल या बाहर निकाला गया। सेकेंड पॉइंट क्यों निकाला गया, जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है तो उनके नियम के निर्देशित उन्होंने निर्देशित किया है जो लोग भाड़े वो साल भर का उनका जो लगान है टैक्स है वो नहीं भरेंगे या भाड़ा नहीं भरेंगे, और जो पैसे जो टाइम दिया गया है
उसमें वो पैसा नहीं भरते हैं, मतलब उसमें असफल हो जाते हैं, या फिर वितरण करने यशस्वी होता, मतलब जमीन का सही तरीके से जो वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके साथ अच्छे से नहीं होता है, तो इन सब कारणों की वजह से उनको मतलब पैसा नहीं भरेंगे टाइम पे और टैक्स नहीं भरेंगे, तो उनको उस जमीन से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ऐसे उन्होंने इसमें और वो ये जो लगान टैक्स है जो टाइम पीरियड में नहीं भरते तो उनको भी यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, तो इस तरीके से उन्होंने उनको क्या किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। तो ये भी उनके ऊपर क्या है, एक तरीके का अन्याय हुआ है। क्यों? वो किसान है, अगर बारिश नहीं गिरती है तो वो टाइम पीरियड में कैसे पैसे भर सकते हैं, या फिर अचानक वो एक कौन सी मतलब कम बारिश गिरती है, ज्यादा बारिश गिरती है, भूकंप होता है, सुनामी आ जाती है, तो इस तरीके से जो ये आपत्ति होती है, नेचुरल आपत्ति होती है, तो उसमें से वो कैसे बच पाएंगे। तो इसके लिए कभी कभी क्रॉप लेते हैं लेकिन उसमें से उनको नफा नहीं मिलता, इसकी वजह से अगर वो पैसे नहीं भर पाते फिर भी उनको उस जमीन से क्या किया जाता है, बेदखल किया जाता है। तो ये भी एक क्या होता है, उनके ऊपर अन्याय ही हो जाता है। आगे वाला है स्वेच्छे ने, हाँ बोलो, यस, फर्स्ट वाला पॉइंट, शेयर क्रॉपर से क्या अन्याय होता है? मतलब उनको उनके नाम पे नहीं जमीन हो जाती, जैसे मेरे घर 5 लोग हैं, मैं जमीन कर रही हूँ, तो वो हम हाँ 5 लोग अलग अलग मतलब मैं 10 एकड़ कर रही हूँ, दूसरा 10 एकड़ कर रहा है, तीसरा 10 एकड़ कर रहा है किसी और के जमीन में, तो अगर मैं उसमें बहुत सालों से काम करती हूँ, मेरी मेहनत से काम कर रही हूँ, तो वो मेरे नाम पे हो सकती है, लेकिन अगर उसी जमीन में अगर हम 4-5 जन मिलजुल के काम कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसे होती है उसी टाइप से अगर करते हैं, तो वो लैंड हमारे नाम पे नहीं होगी, क्योंकि उसके उसमें एक ये नहीं है, उसमें 4-5 जन मिलजुल के कर रहे हैं। अगर ये शेयर क्रॉपिंग हो रही है तो वो किसी एक के नाम पे ही होगी, 5 लोगों के नाम पे नहीं हो सकती, इसके लिए वो किसी के ही नाम पे नहीं होगी, तो उनको इसमें क्या माना नहीं गया है, वो वहां पे काम करने वाले भाड़ेकरू उनको नहीं माना जाएगा, इसके लिए उनके नाम पे ये जमीन नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, उनके ऊपर अन्याय हो गया ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या ये दिया है, ये कमियां क्या निकाली है, तो फर्स्ट वाला जो कमी है कि ये शेयर क्रॉपिंग जो कर रहे हैं उनको वहाँ का मालिक नहीं मतलब इस कायदे के अनुसार वो वहाँ के क्या हो जाएंगे, वो लैंड उनके नाम पे होनी चाहिए, वो वहाँ के मालिक होने चाहिए, किसान जो मजदूर है वो मालिक होने चाहिए, लेकिन शेयर क्रॉपिंग करने वाला वहाँ का मजदूर ही मजदूर रहेगा, वो वहाँ पे मालिक नहीं बन सकता, उनके ऊपर नाम पे जमीन नहीं हो पाएगी, ऐसा फर्स्ट में बोला गया। समझ में आया। यस अभी सर, हाँ, थर्ड जो दिया है, स्वेच्छे ने आत्मसमर्पण, देखो थर्ड पॉइंट आपका है पेज नंबर 69 पे है, तो उसमें उन्होंने क्या दिया है, देखो अगर गवर्नमेंट ने कायदा बनाया है कि ये जमीन इनके नाम पे होनी चाहिए, तो वो आसानी से वो छोड़ने वाले हैं क्या, वो जमीन नहीं छोड़ने वाले हैं, वो 10 तरीके अपनाएंगे, उसी तरीके का उन्होंने एक इसमें ये क्या किया है, किसान को बोला जाएगा आप मेरे जमीन में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, मैंने इतने साल आपको मेरे जमीन में खेती करने की परमिशन दी है, उसके बाद आपका घर चल रहा है, आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं, मतलब मैंने आपके ऊपर क्या किया है, बहुत सारा एहसान किया है, बराबर, तो सामने वालों को क्या करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद वो क्या करेंगे कि अभी उनको मालूम है मैं इस जमीन में काम कर रहा हूँ तो ये मेरे नाम पे जमीन होने वाली, किसान को मालूम है, लेकिन जो जमींदार है या फिर जिसकी जमीन है वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा और बोलेगा कि ये मेरी जमीन है और आपको मिलने वाली है, मैंने तो आपको पैसा मैंने आपको जमीन करने के लिए आपका इतना फायदा हो गया और जो कुछ थोड़ा बहुत था तो मैंने भी ले लिया ना कि मेरी जमीन है,
और अभी ये मेरी पूरी जमीन आपके नाम पे होगी, मतलब मेरे होते हुए आपको मिलने वाली है। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, धमकाएंगे, अलग अलग ट्रिक्स अपनाएंगे। तो वो जो किसान है वो क्या करेगा, एक तो एहसान के तले बोझ के दबे हुए वो क्या करेगा, आत्मसमर्पण कर देगा, मतलब मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। तो इसके वजह से वो क्या करेगा, खुद से ही गवर्नमेंट को बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा, वो गवर्नमेंट मान लेगी, जो जिसकी है उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ, आया हुआ है प्रेशर, आया हुआ है किसका, आया हुआ है जो जमींदार है या जिसकी जमीन है उनका प्रेशर आया हुआ है। इसके लिए वो खुद से ही क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उनको नहीं मालूम है, या गवर्नमेंट को मालूम भी है, ये इनके ऊपर प्रेशर बना दे रहे। लेकिन जो किसान है, जो जिस वो क्या करेगा, खुद से मुंह से बोलेगा, तो गवर्नमेंट को भी ये सब मानना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये मतलब मुझे चाहिए लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है, किसी ने मुझे टॉर्चर किया है, या फिर किसी ने मेरे ऊपर दबाव डाला है, तो इसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो उससे क्या बोला जाएगा, आत्मसमर्पण, मतलब खुद से ही दूसरों को अपनी जमीन दे दे। तो इस तरीके का ये थर्ड पॉइंट है। बाद में है वैयक्तिक लागवड़ी सटी पुनः शुरू करने, मतलब मेरी जमीन जाने वाली है, मैं जमींदार हूँ या बहुत बड़ा किसान हूँ, मेरी जमीन जाने वाली है, इसके लिए वो क्या करेंगे, उस वापस अपनी जमीन करना शुरू कर देंगे। वो कैसे, वो भाड़े करू को क्या बोलेंगे, अभी ये मेरी जमीन है, एक तो आप खुद से चले जाओ, मतलब अंडरस्टैंडिंग में बोल देंगे, वो सामने से नहीं बोलेंगे ना, कि सबके सामने या गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे। तो उस हिसाब से उसको क्या बोलेंगे कि आप एक तो यहाँ से चले जाओ, मतलब ये अपने क्या बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, लिखा पढ़ी इसमें पहले से एक तो की नहीं गई है, तो इतने बहुत बड़ा हमारा देश है, तो यहाँ बहुत बड़े इसमें क्या है, अलग अलग राज्य है, इतने बहुत सारे विलेजेस है, तो हर एक को जो रिमोट एरिया में रहने वाले हैं उनका तो कोई देखने जाने वाला है नहीं है, देखने जाएंगे लेकिन ऐसे डीप में तो कोई देखेगा है नहीं। तो उसकी वजह से इन सब का लाभ लेते हुए वो क्या करते हैं कि अभी ये मेरी है, तो मुंह से बोलेंगे, छुपे तरीके से बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हमें करना है, ये मेरी है, मुझे दे दो आप, और आपको नहीं बोलना है कि ये मैं यहाँ बहुत सालों से जमीन कर रहा हूँ, मेरे में ही खेती कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मजदूर के तौर पे काम कर रहा हूँ, मतलब मालिक को हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन ये जमीन कौन कर रहा है, ये असली आदमी जो है, जो जमींदार है या जिसके नाम पे जमीन है, वही जमीन कर रहा है, और हम सिर्फ उसको हेल्प कर रहे हैं। इस हिसाब से उनको बहला फुसला के वो वापस क्या करने वाले हैं, अपनी ही जमीन में क्या कर रहे, दिखाना है उनको, शो ऑफ करते हैं ना हम जैसे, तो उनको दिखाना है कि ये जमीन सालों से हम ही कर रहे हैं, और इसमें मतलब क्या है, मेरी जमीन मुझे नहीं देनी है, इसके लिए मैं 100 ट्रिक्स अपनाऊंगी, एक अलग अपनाएगा, दूसरा अलग अपनाएगा, जैसे मैंने बोला था वो डिवोर्स लेते हैं कोई कोई, ताकि मुझे नहीं देना, ये अभी डिवोर्स लेने के बाद ये मेरी जमीन है, तो पति को अपने पत्नी को कुछ तो देना पड़ेगा डिवोर्स के बाद, तो ये जमीन इसको अपना घर चलाने के लिए ये मैं जमीन दे रहा हूँ, ऐसे अलग अलग तकनीक इसमें भी अपनाए गए हैं। बाद में फिफ्थ वन है, देखो भाड़े नियमन के लिए नाही, फिफ्थ वन आपका है, इसमें क्या दिया गया है, जो भाड़े करार है, कायदा है, एक्ट है, वो पंचवार्षिक योजनेच्या शिफारसीनुसार भाड़े से नियमन करू शकला नाही, म्हणजे एकूण उत्पन्नाच्या पंचवर्ष, इसमें देखो थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अपन एक पंच उत्पन्नाच्या एक पंचमांश ते एक चतुर्थांश उत्पन्न किंवा काही राज्यांमध्ये त्यापेक्षा उच्च पातळीवरील निश्चित केले गेले आहे, मतलब जैसे हमने पहले भी पॉइंट्स देखे थे, तो उन्होंने क्या किया था,
हमारा जो इनकम है, मतलब अलग अलग किसान का अलग अलग इनकम है, तो उनके इनकम में से 1/4 या उनका पांचवा हिस्सा ही उनको किसको देना है, जो जमींदार है उनको देना है, या फिर अगर गवर्नमेंट के इसमें चली गई है तो उनको देना है, उसमें से ज्यादा नहीं उसमें से कम नहीं। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा, इसमें क्या किया गया, एक तृतीयांश, मतलब उन्होंने जितना बोला है उससे भी ज्यादा इनकम लिया गया, मतलब 1/3 उसमें से इनकम लिया गया। उसके साथ तमिलनाडु है, जहाँ सिंचन क्षेत्र से एक उत्पन्न 40%, मतलब 12 ही महीने जहाँ पे पानी का पानी पानी है जमीन के खेती करने के लिए, 12 ही महीने वहाँ पे पानी अवेलेबल है, क्योंकि 12 ही महीने अगर उधर पानी अवेलेबल है तो वो हर इसमें 12 साल भर खेती कर सकते हैं। हमने उससे पहले भी देखा था कि जो जमीन है सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर की जाती है, वहां पे साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार क्रॉप लिया जाता है, मतलब एक का कम से कम टाइम पीरियड रहता है 4 महीने, 3 महीने, किसी किसी का 6 महीने रहता है, या किसी किसी का 3 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है क्रॉप का। तो साल भर में हम 3 बार लेते हैं, मतलब क्या अभी अनाज डाला है या बीज डाली है, सीड्स डाले हैं, तो वो बड़े होने के लिए, उनको फल फूल आने के लिए टाइम पीरियड लगता है। वो एक बार आने के बाद वो 2 महीने हम उसमें से क्या लेंगे, जो का एक फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, वो एक 2 महीने आता रहेगा और वो हम उनका लाभ लेते हैं। तो ये साल भर में क्यों लेता है, क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल है। इसके लिए जहाँ पंजाब हरियाणा, यहाँ पे 12 ही महीने, मतलब साल भर यहाँ पे पानी की पानी अवेलेबल है, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया गया, 40% जो आणि इतर क्षेत्रांपेक्षा 1/3, मतलब उन्होंने क्या किया, जो निश्चित निर्धारित किया गया था उससे भी उन्होंने 40% या फिर 1/3 हिस्सा, मतलब ये लगान टैक्स उनके पास से वसूल किया गया। उसके साथ ही आंध्र प्रदेश इसमें बागायती भागात एकूण उत्पन्नाच्या 30% आणि इतर भागात 1/3 भाडे निश्चित करण्यात आले आहे, मतलब जैसे उन्होंने 20 या 25% बोला था, मतलब 1/3 या एक सॉरी 1/4 या एक पांचवा हिस्सा इतना बोला था, मतलब 20 या 20% बोला था, 25%। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, कहाँ कहाँ 30% लिया है तो कहाँ कहाँ पे 40% लिया गया है, मतलब जो नियम है उससे उन्होंने अनुचित प्रकार करके ये उनके पास से हासिल पैसा किया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश बागायती क्षेत्र, मतलब जहाँ पे फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लिए जाते हैं, 12 ही साल भर हम लेते हैं, तो उनका इनकम बढ़ता है। तो इसके लिए इनकम ज्यादा रहता है ना साल भर हम अगर करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया फिर इसके लिए, कहाँ कहाँ पे 30% या कहाँ कहाँ पे 1/3 हिस्सा निर्धारित कर दिया था, कहाँ पे तो आंध्र प्रदेश में। उसके साथ कोरडवाहू जमीन, कोरडवाहू मतलब वहां पे कम पानी में होने जहाँ पे पानी की कमी रहती है, इसके वजह से वो जमीन बहुत सूखी पड़ जाती है, उसको कोरडवाहू बोलते हैं। मतलब वहां पे जैसे मैंने आपको बोला था कि पानी बारिश का पानी, मतलब ऐसी मिट्टी रहती है वहां पे कोरडवाहू जमीन क्यों होती है, तो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी कम होती है, मतलब बहुत पानी पड़ता है, बहुत बारिश पड़ती है, लेकिन वहां जब बारिश का पानी पड़ता है तो वो स्मूदी जैसी हो जाती है, मड़ी एरिया जैसा हो जाता है, इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की और पानी क्षमता बहुत ही कम होती है, इसके वजह से बारिश के बाद जल्दी ये सूखा पड़ जाता है जमीन, कोई जमीन रहती है तो बारिश के, मतलब दिवाली दिसंबर तक मतलब जमीन में क्या रहता है, पानी थोड़ा बहुत रहता है, गीली गीली थोड़ी जमीन रहती है अंदर तक, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सूखी पड़ जाती है, इसके वजह से वहां जमीन में दरारें पड़ जाती है। तो ऐसी जमीन पे हम क्या करते हैं, बहुत खाद डालो, मेहनत करो, पानी डालो, और फिर भी इनकम कम हो जाता है। इसके लिए वहां पे उन्होंने क्या रखा है, मतलब 25%
इतना ही भाड़ा रखा है। मतलब हमने क्या डिसाइड किया था, मतलब पहले के पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा कि 20% या 25%, मतलब जो अगर अच्छी वाली जमीन है उनके लिए भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो अच्छी वाली जमीन है 12 ही साल भर हम जो करने वाले हैं वहां पे किस जगह पे किस राज्य में 30%, किस राज्य में 40% दिया है, और जो अच्छी वाली जमीन नहीं है उनको 25% उन्होंने लगान दिया गया है। तो सर्व राज्याने शेती करण्या या भाडे भाडे करून ते भाडे निश्चित करण्यासाठी कायदे केले। मतलब अलग अलग स्टेट में, मतलब देश में कैसे है, ज्योग्राफिकली एरिया अलग अलग रहता है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे सी शोर है, कहाँ पे अलग अलग है ना हर एक जगह पे। मतलब केरल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, पंजाब में अलग है, और अगर हम इधर देखेंगे उत्तराखंड में है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, वहां पे ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है। इसकी वजह से ये राइट दिया गया कि आप अब देश में देश भर में हर एक स्टेट को अपना अपना कायदा बनाने का भी, जो एक पूरा देश का कायदा बना है उस कायदे में कम ज्यादा चेंजेस करने का अधिकार उन्होंने दिया गया है। उस हिसाब से हर एक राज्य ने अपने हिसाब से उसमें क्या कर दिया, अपने कायदे के अनुसार उसमें चेंजेस कर दिए। तो उन्होंने जितना रेंट होना चाहिए उससे भी ज्यादा इसमें ले लिया गया है। ये फिफ्थ वाला पॉइंट है, ये समझ में है आपको? ये थोड़ा बड़ा है लेकिन वो अपने ओन वर्ड में लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से लिख पाएंगे। बड़ा है लेकिन इजी है। उसके बाद है पॉइंट सिक्स, दिया गया है सर्व भाड़ेकरूंना मालकी हक तो मिळू शकला नाही। मतलब जो जो लोग दूसरों के खेती में काम करने वाले काम कर रहे थे उन सबको अपनी मालकी की जमीन सबको नहीं मिली। ये अधिकार, ये कायदा होने के बावजूद भी हर एक को अपने हिस्से की या अपने नाम पे नहीं जमीन मिली। वो क्यों नहीं मिली देखते हैं। देखो भाडेकरूंना त्यांनी लागवड केलेल्या जमिनीच्या मालकांमध्ये रूपांतरित करणे हे भाडेकरू सुधारण्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते, परंतु मालकी हक्क संपादन करण्यासाठी भाडेकरूंना द्याव्याच्या भरपाईचे दर सामान्यतः खूप जास्त होते आणि भाडेकरूंच्या भरण्याच्या क्षमतेच्या पलीकडे होते। त्यामुळे शक्य तितक्या मोठ्या भाडेकरूंना भूगवटा हक्क बहाल करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही। देखो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टंट है और इजी है। क्यों नहीं, मतलब उन्होंने कायदा तो बनाया, जो किसान खेती करेगा उसके नाम पे ये जमीन हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मैं 5 एकड़ जमीन कर रही हूँ लेकिन मेरे नाम पे सरकार ने बोला है आपको जो 5 एकड़ चाहिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन इस जगह का आपको कुछ तो क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भाड़ा है, जो कुछ रेंट है, जो कुछ नियम के अनुसार उन्होंने बोला है, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या बनाया है कि ये जमीन है, ये जमीन अगर सुपीक है तो उसको 1 एकड़ के लिए इतना देना पड़ेगा, जो मिडल स्टेज की है उसके लिए इतना देना पड़ेगा, या कोरडवाहू है उसके हिसाब से उसको इतना क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे किसान थे वो तो इतना नहीं दे पाए, वो तो अपना पेट पाल रहे थे जैसे तैसे, और पहले से ही उनको क्या करना पड़ता था कि उसमें से 50%, 60%, 70% जो कुछ अनाज आता है, जो कोई उनका इनकम आता था उसमें से उनको बहुत बड़ा हिस्सा उस जमींदार को देना पड़ता था। तो उनके पास तो घर चलाने के लिए पैसा नहीं रहता था, या फिर रहता था तो अलग अलग खर्चे आ जाते थे, फिर से उन लोगों को अपना हिस्सा दे दो बचेगा तो उसमें हिसाब से हमारा साल भर का खर्चा निकालो, या खेती के लिए इन्वेस्टमेंट करो, घर में बीमार है, पढ़ाई कर रहा है, या अलग अलग खर्चे है, तो उनके पास से इतनी बड़ी सेविंग कहाँ से आएगी ना उस टाइम पे। किसी किसी लोगों के पास जिन्होंने जमा करके रखा था उस हिसाब से उनको मिल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो वो कहाँ से लाएंगे। इसके लिए उनके हाथ से उनको मतलब जमीन देने का कायदा करने के बावजूद
हाथ में पैसे न होने के साथ, या फिर उन जमीन का जो गवर्नमेंट का रेट था वो बहुत ज्यादा था और वो रेट हर कोई किसान नहीं दे सकता था, इसके लिए क्या किया गया, वो जमीन उनके हाथ से चली गई। और फिर जिसके लिए लाभ देने के लिए कायदा बना तो वो लाभ हर एक को नहीं मिला। तो इसके लिए जो भाड़ेकरु था, मतलब जो दूसरों के खेत में काम कर रहा था, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उनको अधिकार नहीं मिला। ये भी एक महत्वपूर्ण ही है। अभी देखो, एक 7-8 मिनट में हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है ना, तो आपको सेकेंड लेक्चर लेना है या फिर दोपहर को लेना है? दीपिकाश, अभी कंटिन्यू मैं करना है? कंटिन्यू कर सकते हैं आप? नहीं, आपको क्या है, या दोपहर को तो लेने वाली हूँ 1-3-4 बजे, तो वहां उस टाइम पे करना है या अभी कंटिन्यू करना है? तभी आप दो लेंगे ना? हाँ, तभी दो लोगे। हाँ ठीक है, तो तभी 3 बजे लेंगे। हाँ, 3 बजे लो ना, तो आपको भी जल्दी हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा ना। चलेगा ना दीपिका? दीपिका, हाँ चलेगा। तो अभी कंटिन्यू करना है या ये स्टॉप होने के बाद स्टॉप करना है? ठीक कैसा भी चलेगा मैम, आपके ऊपर। है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं, मतलब जितना हो पाए ना उतना हम कर देते हैं, ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपने बोला था ना, वो एक्ट है तो 2005 का, वो लेना है तो हाँ वो हम ले सकते हैं। हाँ ओके। ठीक है, 1 मिनट। वो हम ले सकते हैं, तो इतना जितना, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में रहेगा तो ठीक रहेगा, जितना होता है उतना हम लेते हैं। दो क्या, ही टॉपिक बची है, एक तो ये, दो ही टॉपिक बची है, एक अभी आप जो सिखा रहे वो वो लास्ट और पॉइंट वो, है? हाँ, और एक लैंड होल्डिंग एक्ट, बस। हाँ, वो थोड़ा बड़ा है, मतलब उसके लिए एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लगेगा दूसरा लेक्चर में। तो हाँ हम दोपहर कंटिन्यू को, कर। हाँ, भोगवटा हक्क मिळण्याची अट, 7th पॉइंट है। देखो, भोगवटा मतलब क्या, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसकी मालकी हक्क, मतलब उसका हक मिलण्याची अट, कंडीशन। भाड़े करू कायदा कसे नमूद, मतलब इस एक्ट में ऐसे बोला गया है कि भाड़े करू भोगवटा हक्क मिळू शकतो, बशर्ते तो अनेक वर्षांपर्यंत सतत ताबा असल्याचे सिद्ध करू शकेल। ही तरतूद मशागत करणाऱ्या जमिनीच्या तत्वाच्या भावनेला पूर्णपणे नाकारते, कारण भारतातील जमीन मालक भाडेकरूंच्या परस्पर संबंधाच्या विविध स्वभावानुसार सामान्य भाडेकरूला अनेक वर्ष सतत व्यवसाय सिद्ध करणे अंशतः अशक्य आहे। किंबहुना जमीन मालक जमिनीच्या नोंदीमध्ये फेरफार करून भाड्याच्या पावत्या न देऊन आणि भाडेकरू दरवर्षी प्लॉट पासून प्लॉटवर फिरून भाडेकरू करू शकत नाही, याची चांगली काळजी घेतो। पुराव्याचा भार भाडेकरूवर असल्याने कायदा अक्षरशः कुचकामी ठरतो, म्हणून हे लक्षात घेऊन घेतले पाहिजे की बहुतेक कमतरता नंतर काढून टाकल्या गेल्या आणि लूपहोल्स जो है वो प्लॅन कर गए। उसके साथ ही सध्या भारतातील कृषी संरचना या त्रुटींपासून जवळजवळ मुक्त आहे। देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, मतलब कायदा क्या बोलता है कि ये जमीन जो जरूरत से भी ज्यादा जिनके पास है वो अपने फैमिली में कितने मेंबर है उस हिसाब से रखनी है, बाकी आपकी जमीन किसको देनी है, गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है। और गवर्नमेंट किसको हैंड ओवर करेगा, जिसको जरूरतमंद है उसको हैंड ओवर करेगा, मतलब जिसके पास, जिस खेती में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब अगर एक साहूकार है उसके पास 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनको वो जमीन मिलेगी, वो पहले से ही कर रहे हैं वो जमीन मिलेगी। लेकिन ये जमीन कब मिलेगी, तो ऐसे मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, उनको तो पैसा पे करना पड़ेगा।
उसके लिए उनको क्या करने पड़ेंगे, मैं इस जमीन में सालों साल काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो क्या करने पड़ेंगे हमको, पुरावे पेश करने पड़ेंगे कि उसके लिए अगर मैं हर लगेगा, साल प्रूफ लगेगा मैं बोलूँ। हाँ प्रूफ लगेगा, तो मुझे हर साल क्या करती हूँ मैं इसके लिए लगान मतलब टैक्स भरती हूँ, शेत सारा भरती हूँ, जिसके पास बचे थी मैं जमींदार को भरती थी, और जमींदार उसकी 50 एकड़ जमीन है ना, तो वो 50 एकड़ में से 10 एकड़ मैं कर रही, तो मैं 10 एकड़ का जो मेरा जो कुछ उन्होंने निश्चित किया निर्धारित किया है 50%, 60% वो मैं किसको देती थी, जमींदार को देती थी, और जमींदार गवर्नमेंट के हिसाब से वो पैसा उसका उसके जमीन का गवर्नमेंट को भरता था, मतलब गवर्नमेंट को से में से जो ये प्रूफ है या पावती है जो रिसीट है वो किसको मिलती थी, जमींदार को मिलती थी, जमींदार अगर उसकी मन में हो या ना हो होगा तो ही उसको रिसीट देगा, अगर उसको मालूम है आगे चल के मुझे परेशानी हो सकती है तो वो क्या करेगा, मुझसे बोलेगा कि ऐसा ऐसा तुमको दिया है पैसे और तुमने मुझे दिया है तो अभी हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया इस साल का, मुझसे बोलेंगे, और वो क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो भी बोलेंगे हाँ चलो उन्होंने भी हमारा साल भर का हो गया। तो कोई कोई किसान इतना ज्यादा सोचता नहीं था उस टाइम पे, कोई पढ़े नहीं उस टाइम पे, बहुत तो गरीबी थी, उसके साथ साथ पढ़े लिखने की बहुत तो कोई पढ़ा लिखा ज्यादा से ज्यादा नहीं होता था, तो इसके लिए उनको ये प्रूफ की जरूरत नहीं, उन्होंने बोला है ना तो ठीक है सालों साल हमारा ऐसा ही चल रहा है, हम इसमें ही खुश है, हमको जमीन करने के लिए वो दे रहे हैं ना वो बस है उतना ही बस है, हमारा दो की रोटी मिल रही है ना वही हमारे लिए काफी है, तो इसके लिए वो ज्यादा प्रूफ के पीछे भागदौड़ नहीं करते, या फिर अगर दिया जाता है तो कभी कभी दिया जाता है कभी कभार नहीं दिया जाता है, उसके साथ भी अगर दिया भी जाता है तो वो उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो क्या करेगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको हाथ उनको उनको पैसा दबा के वो क्या करेगा, उसमें जो कुछ चेंजेस करने हैं उसको फेरफार बोला जाता है, तो उसमें जो कुछ चेंजेस करने हैं वो ऑटोमेटिकली कर देगा, तो वो सामने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से जो चेंजेस करने चाहिए, मतलब ये जमीन मुझे उसको नहीं देनी है उसके लिए मुझे जो कुछ बन पाएगा वो मैं कर पाऊंगा, तो इसके लिए उनको उनके पास कोई रिसीट नहीं थे, किसी के पास थी किसी के पास नहीं थी, जैसे हम अगर जहाँ पे जॉब करते हैं देखो तो जॉब हमारा परमानेंट नहीं है, हमको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया है, तो हमको अगर हर साल ले लिया जाता है तो हमें ज्वाइनिंग लेटर लेना पड़ता है, तो वो कभी कभी कोई कोई संस्था क्या करती है, अगर मुझे इस साल के लिए लिया गया ना तो ज्वाइनिंग लेटर तो दिया, लेकिन जब एंड होता है मतलब जुलाई अप्रैल हो जाता है तब वो क्या करती है रिजिग्नेशन लेटर लिख के लेती है, और वापस जून में हम ज्वाइनिंग लेटर, मतलब मैं 10 साल यहाँ पे काम कर रही हूँ उसका कोई भी ये नहीं, वो क्या बोलेगा आपने हर साल यहाँ 10 साल आप है लेकिन 10 साल में से आपने 10 बार ज्वाइनिंग किया 10 साल रिजिग्नेशन दिया, मतलब इसमें कंटिन्यूशन आया क्या, नहीं आया, मतलब अगर इस संस्था में से ये लेक्चर खत्म होगा तो रिज्वाइन करेंगे, हाँ तो इस संस्था में से वो क्या बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट का नियम आया कि जो लोग 10 साल इस संस्था में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो परमानेंट हो जाएंगे और 10 साल का बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन 10 साल का उन्होंने 10 बार रिज्वाइन किया है 10 बार उन्होंने छोड़ा है उसको बेनिफिट मिलेगा क्या, उसी तरीके का यही उन्होंने किया है, उनको मालूम है कि आगे चल के हमें परेशानी हो सकती है, उस हिसाब से कोई भी पुरावा नहीं रहेगा, इस हिसाब से उन्होंने पूरी तरीके से क्या की है जानकारी हासिल करके उसी तरीके का काम किया है, तो इसके लिए उनको जो बेनिफिट मिलने वाला था किसको, जो किसान काम कर रहा है उनको नहीं मिल पाया, इस हिसाब से उन्होंने जो जो कमियां